कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी जल्दी से जल्दी बने और उस कमेटी में रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके बाद यूपी की एक कमेटी बनेगी जो सिर्फ एक कमेटी होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, हर शहर की कमेटी एक होगी, 10 कमेटियां नहीं होगी। वो कमेटी जो है वो यूपी से अटैच होगी, यूपी वाली ऑल इंडिया से होगी, शहर के जितने भी पतंगबाज हैं, जितनी भी टीमें हैं, वो उस शहर की कमेटी से अटैच रहेंगी। उसके बाद अगर कमेटी किसी भी शहर में नहीं बनती है, ये हम लोगों ने रूल्स निकाला है, तो वो टीम बाहर कहीं भी लड़ाने जाएगी। अगर कमेटी का उसके पास आपका कोई भी लेटर नहीं है कि आप जाके लड़ाएं, उसको लेके जाना होगा, तो वो कोई भी टीम आपसे शौक नहीं करेगी अगर आपके यहाँ कमेटी नहीं है। ये रूल्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो कमेटी बहुत ज़रूरी है। बगैर कमेटी के टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी बात है, शौक लोकल नहीं कोई कर सकता है बाहर जाके। उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि कमेटी से आपको रिटर्न में लाना होगा कि शाहजहांपुर की कमेटी है और कमेटी इस टीम को रजिस्टर्ड कर रखा है, तब आप जाएंगे लड़ाने के लिए, वरना कोई टीम किसी से नहीं लड़ाएगी। इसलिए कमेटी के लिए विदाउट परमिशन कोई भी शौक नहीं करेगा। लखनऊ जाना है, बरेली जाना है, सब जगह आपसे पहले परमिशन मांगी जाएगी। आपके पास परमिशन है, कमेटी की परमिशन आप दिखाएंगे, जब कमेटी की परमिशन आपके पास होगी तब वो शौक होगा, वरना आप वापस आ जाइए, आपसे कोई शौक नहीं करेगा। ये बहुत जल्दी रूल्स आने वाला है। ये कमेटी ऑल इंडिया की जो बन रही है, नेशनल लेवल की कमेटी है, छोटी कमेटी नहीं है, तो इसलिए आप लोग सब इस पर ध्यान दीजिए और कमेटी जरूर बनाइए, जिससे कि जो पतंगे छोटी छोटी हैं, अगर किसी हड्डियाँ लड़ रही हैं, लोकल क्यों नहीं लड़ाएगा भाई, 25.5 की पतंग लड़ रही है, मांझे गलत लड़ रहे हैं, इस पे सबसे रोक लगे, एक छोटी नहीं लड़ेगी, 26.5 जोर से बोलिए, पतंग छोटी ना मांझा लड़ेगा और ना मांझा गलत लड़ेगा, थोड़ा दूर से जाइए भाई।